आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 21 किस करेंगे। 21 में है sec थीटा बाई cos थीटा, क्या है sec थीटा बाई cos थीटा माइनस tan थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा बाई cot थीटा बराबर। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, बुक में एक करेक्शन है, यहाँ पर लिखा है tan थीटा बाई cos थीटा लिखा है, cos थीटा लिखा है, cos थीटा नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा cot थीटा, cos थीटा पर करेंगे तो नहीं आएगा, cos थीटा को cot थीटा करना है। चलिए आगे करते हैं, sec थीटा बाई, देखिए 1 बाई cos थीटा है, सॉरी इसको लो, एक लाइन का क्वेश्चन है बस, ये 1 बाई cos है ना, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec, तो sec का sec और sec sec स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऐसे cot का 1 बाई tan ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, LHS में आएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस कुछ नहीं करना था, लेकिन अगर वहां पे वो मिस्टेक दूर नहीं होता तो फिर दिक्कत होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। चलिए LHS ले लेते हैं, tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें देखिए tan स्क्वायर थीटा कॉमन है तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन, क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहां हो गया tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इनटू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इसमें गुणा करेंगे तो यहां जब गुणा करेंगे तो sec पावर 4 थीटा, यहां करेंगे तो माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा हमको sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, आ गया, ये लाना था, ये हो गया RHS। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा, cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, LHS ले लेते हैं तो हो जाएगा cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा, हमको लाना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लाना है तो हम ऐसा करें कि इधर 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हमको मिल जाए, तो क्या करें 2 sin स्क्वायर थीटा इसमें प्लस कर दें, उतना ही माइनस कर दें ताकि मान पे कोई अंतर न आवे, यहां हो जाएगा cos पावर 4 थीटा प्लस sin पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इतना प्लस करें तो इतना ही माइनस भी करेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अब ये देखिए अच्छा इतने को देखें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दें
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर लगा है ना, तो वन का स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो लाना था। आर एच एस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा दिक्कत है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एलएचएस ले लें, एलएचएस में देखिए हमको सेक और कोसेक लाना है। इधर मेरे पास है टेन और कॉट, तो टेन और काट को हम इस प्रकार परिवर्तित करें कि सेक और कोसेक में बदल जाए। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो दोनों को हम सेक और कोसेक वाले में बदलेंगे। तो एलएचएस पहले लिख लें, टेन स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और इधर कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहां ब्रैकेट तोड़ देंगे तो हमको इधर मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और माइनस जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहां माइनस या प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन, प्लस वन माइनस वन कटेगा, क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आरएचएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहीं पर कर देते हैं। क्या है साइन पावर फोर थीटा माइनस कॉस पावर फोर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर फोर थीटा माइनस कॉस पावर फोर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एलएचएस ले लें, एलएचएस है हमारे पास साइन पावर फोर थीटा माइनस कास पावर फोर थीटा। वर्गांतर विधि लगाएंगे, देखिए इसमें इसको कर दें साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो वर्गांतर विधि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह का हो गया, तो एक में प्लस एक में माइनस, तो प्लस करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक कोष्ठक, दूसरे कोष्ठक में
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? वन। तो इधर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा हमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये हमको लाना था, ये हो गया हमारा आर एच एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, बराबर क्या लाना है? बराबर लाना है sec थीटा प्लस cosec थीटा। sec थीटा प्लस cosec थीटा। चलिए LHS ले लेते हैं। LHS होगा हमारा sin थीटा प्लस cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां पर हम चेंज करेंगे साइन बाय कॉस में, तो हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। चलिए ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इधर लघुत्तम ले लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए कॉस कॉस कट जाएगा साइन, तो इधर हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो ये हो जाएगा वन बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये इसके बटे में कर दें, तो यहाँ बटे में करेंगे तो इसके बटे में भी आएगा, इसके बटे में भी आएगा। जब इसके बटे में आएगा तो हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसके बटे में आएगा तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, क्या बचा? वन बाई कॉस थीटा प्लस वन बाई साइन थीटा। तो वन बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और वन बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। ये हो जाएगा हमारा आर एच एस। देखिए जी ठीक, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। कुछ क्वेश्चन को जैसे सेम टाइप का है तो उसको अगर बुक में आप देख ले रहे हैं तो अपने से भी लगाने का प्रयास करें, अपने से लगाइए, कहीं फंसता है तो वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है sec अल्फा माइनस कॉस अल्फा कोसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा। सेक अल्फा माइनस
कॉस अल्फा और कोसेक अल्फा माइनस साइन टेन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर टेन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में हमारे पास है सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा और कोसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ऐसा है कि हम कास को सेक में चेंज करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा वन बाई सेक और ये हो जाएगा वन बाई साइन, साइन वन बाई कोसेक, साइन को कोसेक में चेंज करेंगे तो वन बाई कोसेक अल्फा और कास को सेक में चेंज करेंगे तो वन बाई सेक अल्फा। तो यहाँ हो गया सेक अल्फा माइनस वन बाई सेक अल्फा और इधर हो जाएगा कोसेक अल्फा माइनस वन बाई कोसेक अल्फा। तो एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन बाई सेक अल्फा इंटू, यहाँ भी हम उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे कोसेक अल्फा, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन बटे में कोसेक अल्फा हमको मिलेगा। अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर अल्फा, और कोसेक स्क्वायर माइनस वन कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन बराबर हमको मिलेगा काट स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बटे सेक अल्फा गुणे काट स्क्वायर अल्फा बटे कोसेक अल्फा। तो कहीं मिस्टेक हो रहा है, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन टेन स्क्वायर अल्फा ना कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर अल्फा, तो ये तो इससे कट जाएगा वन बाई कॉस अच्छा चलिए ठीक है। तो ये हो गया टेन स्क्वायर अल्फा और इसको हम बदल देंगे वन बाई टेन स्क्वायर अल्फा, अब बटे में देखिए ये हो जाएगा वन बाई कॉस अल्फा और ये हो जाएगा वन बाई साइन अल्फा। तो ये तो इससे कट गया, मिलेगा क्या हमको ऊपर मिलेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, हमको लाना है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस अल्फा का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हमको मिल जाएगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा गुड़े कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया, ये लाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। ट्वेंटी एट है सेक स्क्वायर माइनस वन
कर देते हैं, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन ब्रैकेट में प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर बराबर लाना है sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा इनटू सॉरी इनटू cosec थीटा। चलिए LHS ले लेते हैं, LHS हमारे पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस वन ब्रैकेट में प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन सॉरी अंडर रूट में अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस वन और प्लस अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में रहेगा और प्लस cot स्क्वायर थीटा अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट के बाहर निकलेगा वर्गमूल निकालेंगे तो बचेगा tan थीटा और प्लस इसका cot थीटा। अब देखिए हमको लाना है sec थीटा cosec थीटा, तो ऐसा करेंगे इसको sin cos में चेंज कर लेते हैं, sin cos में चेंज करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। उत्तम ले लें sin थीटा इंटू cos थीटा, तो हमको मिलेगा यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वन हो गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन हो गया, वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम वन बाई कास और इंटू वन बाई साइन कर देंगे तो हो जाएगा वन बाई कास थीटा इंटू वन बाई साइन थीटा बराबर क्या होगा वन बाई कास सेक थीटा इंटू वन बाई साइन कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आरएचएस।